प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भारत इज इंडिया पर। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे भारत की दो बहादुर शेरनियां। एक तरफ आप देखेंगे अंबर जैदी जी को, दूसरी तरफ उनके स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी हिंदुस्तानी शेरनी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाज़िया अली खान जी। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और दमदार होगी, इसे अंत तक देखें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इम्पोर्टेंट वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत। भारत तो फिलहाल पाकिस्तान के झांसे में आ नहीं रहा है, और जब से प्रधानमंत्री मोदी सत्ता में आए, तब से पाकिस्तान के साथ जो पॉलिसी पाकिस्तान को लेकर भारत ने अपनाई है, उसी से पाकिस्तान काफी परेशान है। आतंकियों की बात नाज़िया आपने की, तो हमने देखा पिछले कुछ सालों में चुन चुन कर जो अज्ञात एक व्यक्ति है पाकिस्तान में आतंकियों को निशाना बनाता है और उसको मार डालता है। अब यही शिकायत लेके पाकिस्तान चला जाता है इंटरनेशनल फोरम पे, कहता है कि भाई ये तो भारत कर रहा है। कोई भी सॉवरेन नेशन होती या कोई भी होता उस जगह पे, तो कोई भी ये जाकर ये नहीं कहता कि भाई देखिए जिन लोगों के देश में आतंक फैलाने के जिम्मेदार हम हैं, और जो इसका सवाल ये है और जो जायज मांग है कि आप आतंकियों को और हमारे गुनाहगारों को पनाह देते हैं, उन्हीं को आप आके कहते हैं कि भाई ये लोग मार रहे हैं और हमारे देश में आके मार रहे हैं। ये किस तरह की मतलब बेशर्मी गए, नकली गए, क्या कहना चाहिए? क्या आप खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ आपके पास आतंकी हैं और उनको पाकिस्तान में ही भारत आके मार रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान का कुछ नहीं हो सकता है। ये मदरसा छाप गटर छाप को कितनी अक्ल होगी, कितनी समझ होगी पाकिस्तानियों को? ये मदरसे में क्या सीख रहे होंगे? कुछ तो इंटेलिजेंट वाली बातें तो नहीं सीख रहे होंगे, इंटेलेक्चुअल तो नहीं बन सकते हैं। अब जाकर के इंटरनेशनल फोरम पर ये बोलना कि मेरे यहाँ 29 जिहादी और आतंकवादियों को भारत ने हमारे सरजमीन पे घुस के मार डाला, अब आप सोचिए कितने बेवकूफ और अहमक है। मतलब खुद से एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो अपने यहाँ रोटी बोटी देते हैं जिहादियों को और आतंकियों को। और मुझे तो वो अज्ञात हमलावर जो है, अगर वो मुझे कभी दिख जाए तो मैं तो मतलब तिलक विलक लगा के फूल वूल उनको पहनाओ कि जाओ जाओ हाफिज सईद को मार करके आओ, क्योंकि ऑपरेशन ब्लू स्टार ऑपरेशन स्कॉर्पियो में जो चूक गए हम लोग, हमारा भारत जो चूक गया ऑपरेशन स्कॉर्पियो में, उसको अभी तक अंदर से एक रहता है कि जरा सा के लिए चूक गया, नहीं तो हाथ तो हम साफ कर ही लेते। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो अज्ञात हमलावर अगर मुझे सुन रहे हैं, तो हम दो भारत की बेटियां आपसे आग्रह कर रहे हैं कि आप कोई भी हैं, प्लीज सुपरमैन की तरह जाइए या स्पाइडरमैन की तरह जाइए और उसका भी खात्मा करके आइए। देखिए, मुझे ऐसा लगता है अंबर कि पाकिस्तान कभी भी पनप नहीं सकता था, पाकिस्तान कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता था, पाकिस्तान कभी भी इकोनॉमिकली बहुत डेवलप या इम्प्रूव या एनहांस कभी नहीं हो सकता था। स्टार्टिंग में क्या हुआ था कि जितने भी मुस्लिम मुल्क हैं, वो मुसलमान को एक सेंटिमेंटल अटैचमेंट के द्वारा पाकिस्तान को प्रायोरिटी दे रहे थे। पर कहते हैं ना कि कुत्ते के दुम 10 जन्म भी अगर गाड़ दो तो वो टेढ़ी की टेढ़ी ही निकलती है। तो ठीक उसी तरीके से पाकिस्तान को आप लाख समझा दो, पाकिस्तान को अरब समझाया है, पाकिस्तान को ईरान समझाया है, पाकिस्तान को खतर समझाया है, पाकिस्तान को अबूधाबी समझाया है, पाकिस्तान को मिस्र समझाया है, पाकिस्तान को यूएन समझाया है, पाकिस्तान को इंटरनेशनल फोरम समझाया है, लेकिन वो ना समझने का, बिल्कुल कुत्ते के टेढ़ी दुम की तरह वो ना समझने का कसम खाया है। तो वो बिल्कुल सही है, आज अगर कोई व्यक्ति इतना ज्यादा स्टबर्न है, इतना ज्यादा रिलक्टेंट है, तो मुझे लगता है कि भीख मांगने की औकात जो आई है वो भी अभी कम आई है। इससे भी बुरे हालात हमें मुस्कुराते हुए दूर से पड़ोसी मुल्क का देखना चाहिए, दूर से देखना चाहिए। अच्छा देखिए, एक तरफ अभी गूंज रही है आवाज, भारत में ये हो जाएगा, भारत में तो इलेक्ट्रिसिटी इतनी हो रही है, 79% वहां के लोग एडुकेटेड हो गए हैं। अरे भैया, हम पढ़ते हैं, हम स्कूल जाते हैं, हम गटर छाप नहीं जाते हैं, हम मेहनत करते हैं, तब जाकर के भारत 79% हुआ है। हम छुट्टियों में भी खटते हैं, मेहनत करते हैं, और उस मेहनत और पसीने का कमाया हुआ, हमारे पास डिग्रियां होती हैं और उस डिग्रियों से हम कमा करके एक लैविश लाइफ जीते हैं। हम जिहादी आतंकी बम गोली बारूद को अपनी जिंदगी कभी नहीं समझे हैं। हम जैसी मुसलमान बेटियां भी भारत की कलम को और अपने अपनी शिक्षा को अपनी ताकत समझते हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि देखिए, पाकिस्तान में जिस तरह से अश्लीलता है,
पाकिस्तान में जिस हिसाब से बेहूदगी है, पाकिस्तान में जिस हिसाब से ठरकबाजी है, पाकिस्तान में जिस हिसाब से बेशर्मी है, तो अल्लाह नाराज हो गया है पाकिस्तान से। क्योंकि देखिए गूगल में सर्च कीजिएगा अंबर, तो सबसे ज्यादा पोर्न मूवी पाकिस्तान में देखा जाता है, सबसे ज्यादा बेटियां बेची और खरीदी पाकिस्तान में जाती है। तो मैं अभी कुछ दिन पहले द औरत फाउंडेशन का वेबसाइट खोल करके काफी चीजें मैं रिसर्च कर रही थी। उस रिसर्च में मुझे पता चला कि कोई एक हलीमा अम्मा है जिन्होंने मेले से एक लड़की चोरी किया था और उसने 11 लड़कों को बेचा था, और वो 11 मुसलमान लड़कों ने उस बेचारी मुसलमान बच्ची के साथ एक साथ बलात्कार किया था, गैंग रेप किया था। बाद में वो अरेस्ट हुई जो उसका पर्दाफाश हुआ। अब आप सोचिए कि कितने ठरकबाज है। हालिया में हमने क्या देखा था कि एक औरत ने हलवा ना हलावा क्या पहन करके एक अरबी शब्द का एक कपड़ा पहनी हुई थी। अब देखिए कितने जाहिल है, खुद को मुसलमान कहते हैं, उम्मते रसूल कहते हैं, अल कुरान के मानने वाले कहते हैं, पर अरबी ना पढ़ना आता है ना समझना आता है, जिसका अर्थ निकल रहा था खूबसूरत, और कह रहा है कि यहीं पर बाजार में ये कपड़ा उतारो क्योंकि तुम रसूल के खिलाफ जा रही हो। एक्चुअली में रसूल से मतलब नहीं था, एक्चुअली में उस औरत को नंगा देखना था, उसके जिस्म को देखना था। अगर प्रॉफेट मोहम्मद के इतने बड़े उम्मत है ये, तो बाजार में कैसे एक औरत को नंगा कर सकते हैं? ये कुरान ने कब बता दिया? ये प्रॉफेट मोहम्मद ने कब अपनी सुन्नत में डाल दिया कि तुम एक औरत को नंगा कर दो क्योंकि उसने अरबी का एक वर्ड पहना हुआ है? तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वो तोता है जो सुन सुन करके सुन्नी हो गए हैं। ये एक्चुअली में सुन्नत रसूल नहीं मानते हैं, ये सुने हुए सुन्नी है। तारिक जमील ने कह दिया 72 वर्जिन हूर, हाँ 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 72 वर्जिन हूर। उसके बाद फिर तारिक मसूद ने कह दिया कि अगर औरत के पास तलाक देने की अनुमति होती, अगर औरत के पास ये हक होता तलाक देने का, तो हम सारे मर्द तो रंड में पड़े रहते। यही उसने कहा है भाई, मैंने नहीं कहा है, ये तारिक मसूद ने कहा है। तो ये लोग, और अभी नाजिया कुछ दिन पहले उन्होंने शिकायत की कि मेरी एक और शादी तोड़वाने के जिम्मेदार मोदी जी हैं, उनकी वजह से उनकी भारत में शादी नहीं हो पाई, बेचारे। अच्छा कितनी जहादन हमारे भारत में भी है अंबर, जो तारिक मसूद जैसे बूढ़े आदमी से शादी करने को तैयार। उनकी 3-4 शादियां पहले ही हो रखी है तारिक मसूद। नहीं, देखो तारिक मसूद तो साफ कैमरे के सामने बोलता है, मैं मरा और अगर मैं 4 औरतों को बेवा नहीं करके गया तो मेरी जिंदगी बेकार, मेरा मरना बेकार है, ये वो खुद कहता है। नहीं, सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरह का नॉनसेंस तारिक मसूद बोलते हैं, मतलब आज के जमाने में इस तरह की जो नॉनसेंस बातें, वो कौन सुनता है, कौन पे अमल करता है, सबसे बड़ा सवाल ये है। और पढ़े लिखे दौर में इस तरह की बातें किस तरह से जस्टिफाई हो जाती है, सवाल ये है। नहीं, हमारे यहाँ भारत में अभी हालिया में एक लारैब हाशमी जो है, उसने एक बस कंडक्टर का गला रेता था जो यही तारिक का वीडियो देखता था। तो सुनने वाले सुनते हैं। मेरे पश्चिम बंगाल में, मैं वेस्ट बंगाल की वोटर हूँ, मेरे पश्चिम बंगाल में मुझे ऐसा लगता है कि 15-17% मुसलमान तारिक जमील और तारिक मसूद को सुनते हैं। 15-17% मुसलमान आराम से सुनते हैं। और 4 बीवी घर पे होती है, 2 बिल्डिंग छोड़ करके फिर से छमिया होती है, फिर 2 बिल्डिंग छोड़ करके फिर से लौंडिया होती है, 1 बिल्डिंग 1 गली के किनारे फिर से बांधिया होती है। ये है। इवन मैं एक प्रैक्टिकल बात बता रही हूँ, मेरे ऑफिस में एक लड़का आता जाता था, कुछ काम वाम करता था, तो मुझे पता चला कि भाई उसकी बीवी है, 2 बेटियां है और फिर उसका चक्कर चल रहा है। तो मैंने कहा क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पहले से है, 2 बेटी का जन्म देना और उसके बाद उसको पढ़ा लिखा करके उसको शादी करना, उसको इंसान बनाना बहुत बड़ी बात होती है, और बीवी तो है तेरे पास। बाजी देखिए, आप मेरे सुन्नत में बीच में नहीं आ सकती है। मुसलमान मर्दों को कोई सुन्नत पता ना हो, लेकिन 4 शादियों की सुन्नत जरूर पता होती है, जरूर पता होती, क्योंकि उसमें ठरकबाजी जो पूरी होती है, उसमें अय्याशियां जो पूरी होती है। अब मैं बोलूंगी कि तुम खरात करो, अब मैं बोलूंगी तुम नमाज पढ़ो, अब मैं बोलूंगी कि तुम पूरे करो बच्चों को अच्छी। तो आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, और हमेशा की तरह नाजिया लाई खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा, जहाँ पे नाजिया खान जी ने
पाकिस्तान को खूब बेइज्जत किया, पाकिस्तानियों को गटर छाप और मदरसा छाप भी बताया, और पाकिस्तान को तो कुत्ते की दुम भी कह दिया। और आपने देखा पाकिस्तान ऐसा बेशर्म मुल्क है जो यूएन में खुद जाके अपनी बेइज्जती करवा रहा है और कह रहा है कि पाकिस्तान में भारत अज्ञात हमलावरों से पाकिस्तान के आतंकियों को मरवा रहा है, यानी खुद अपने आप को ही पाकिस्तान एक्सपोज कर रहा है। बाकी आपने देखा कि नाज़िया खान जी ने पाकिस्तान की कैसे पोल खोली, पाकिस्तानियों को जो जाहिल बनाया, जो पाकिस्तानी नंगा नाच और अश्लीलता का बाजार लगाते हैं, उसको पूरी तरह से एक्सपोज किया। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और दमदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।